मध्य प्रदेश स्थित चमत्कारी हनुमान मंदिर भक्तों के लिए खुल चुका है। मंगलवार को मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा, तो वहीं एक और मंदिर परिसर में भक्त कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए दिखाई दिए। भारत में शायद ही ऐसा कोई शहर या कस्बा हो जहां हनुमान जी का मंदिर मौजूद नहीं हो। श्री राम भक्त हनुमान को कलयुग का देवता भी कहा गया है। मान्यता है कि वे आज भी धरती पर मौजूद हैं और जहां भी राम कथा का आयोजन होता है वे वहां पहुंच जाते हैं। यही कारण है कि राम कथा की जगह पर एक स्थान खाली छोड़ा जाता है। बहरहाल आज हम आपको मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मौजूद एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं जो बेहद खास है। इस मंदिर की खास बात यह है कि हनुमान जी यहाँ विश्राम अवस्था में विराजमान है। ये जामसावली मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। पिछले 2 साल से देश में लॉकडाउन के चलते मार्केट से लेकर घरों से बाहर निकलना तक काफी हद तक बंद बना हुआ था, जिसके चलते मंदिर भी बंद थे, लेकिन अब मंदिर चालू हो चुके हैं। भक्तों में खुशी की लहर दौड़ रही है। वहीं इन मंदिरों के खुलने के बाद भी भक्तों को कुछ खास गाइडलाइन का अभी पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो वहीं NBCN न्यूज की टीम ने जामसावली के चमत्कारी हनुमान मंदिर के पंडित जी से खास बातचीत की। कोरोना का महाकाल चल रहा है, लगभग 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन पूरा देश कहे या पूरा विश्व कहे इस बीमारी से जूझ रहा है। कोरोना के बाद अब ओमाइक्रॉन का खतरा भी हमारे ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन जहाँ भक्ति भाव की बात करते हैं तो हम किसी भी बीमारी से डरते हैं। आज जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं वो बहुत ही पावन स्थल है जामसावली। जी हाँ, जागृत हनुमान जी का देवस्थान। कोरोना के इस पर्व में जो सिलसिला चला है उसके बावजूद भी भक्तों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। यहाँ की व्यवस्था जो हमने देखे चाक चौबंद है, सभी भक्तगण यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। पंडित जो है यहाँ के वो भी पूरी तरह से तैयार है। यहाँ के प्रभारी जो है वो भी इस वक्त हमारे साथ में। आइए चलते उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस व्यवस्था यहाँ पर रखी। पाटिल साहब इस वक्त हमारे साथ में। पाटिल जी एक तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कोरोना के इस महाकाल में कैसी व्यवस्था बनाई रखी है आप? अभी हमने कोरोना की व्यवस्था से पहले तो 1-2 साल बंद रहा, अभी 2 महीने से खोला है। अगर अभी भी स्थिति वो चाहे तो बाहर से दर्शन हो रहा है, बाहर से दर्शन हो रहा है जी। और हम कोरोना से बचने के लिए मास्क ये तो सबको बताते हैं, इसलिए अभी तो बाहर से दर्शन हो रहा है जी। हमारे साथ में पंडित जी मौजूद है, तिवारी जी यहाँ पर हैं, वो यहाँ की पूजा व्यवस्था संभालते हैं। तिवारी जी, भक्तगणों का कैसा प्रतिसाद है? जैसे नया साल शुरू हुआ और भीड़ आपको संभालनी पड़ी होगी, फिर पूजा का ये सब भागदौड़ किस तरह से निभाते हैं अपना दायित्व? देखिए, ये कोरोना काल जो चल रहा है, लेकिन इसके चलते हुए भी लोगों के यहाँ पर आने में कोई भी मतलब कमी नहीं आई। यहाँ पर हर साल कम से कम 1 लाख लोग नए वर्ष में यहाँ दर्शन करने आते थे, और इस साल तो शनिवार पड़ गया 1 तारीख का, जिसकी वजह से कम यहाँ पे 1.5 लाख लोग आकर दर्शन करके गए। और ट्रस्ट की ओर से सभी को मास्क लगाने के लिए कहा गया, सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए कहा गया, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी यहाँ पर हुआ। और अभी भी सभी लोग, ये नया वर्ष चल रहा है और भक्तों का तांता यहाँ पर प्रतिदिन कम से कम 20,000-25,000 लोग आ ही रहे दर्शन करने के लिए। आज भी आप देख रहे हो यहाँ पे भीड़ लगी हुई भक्तों की, ये सभी लोगों को मास्क का उपयोग करने के लिए हम प्रेरित कर रहे हैं जी। आने वाले समय में कोरोना का खतरा तो देश के ऊपर में पूरे इसके ऊपर, तो ये खतरे से निजात पाने के लिए हम भगवान से किस तरह से प्रार्थना करेंगे? अब देखिए, भगवान से प्रार्थना तो हम रोज ही कर रहे हैं कि इस आपदा से सारे विश्व की भगवान हनुमान जी महाराज रक्षा करें, और सबके आखिरी में सब कुछ होने के बाद भगवान जी हमारे पास एक सहारा होता है। तो आदमी ये सोचता है कि मैं सब कुछ हो गया, अब इसके बाद मैं भगवान की शरण में जाऊँ। तो हम सभी लोग मिलकर यहाँ भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से हमें जल्द से जल्द हनुमान जी महाराज निजात दिलाए और सारा विश्व सुखी संपन्न हो। जहाँ हम देश पर संकट की बात करते हैं और जहाँ बीमारी की बात करते हैं, तो वहाँ पर दवाओं का असर होता ही है, लेकिन दवाओं के असर के साथ साथ भगवान से दुआ का असर भी बहुत महत्वपूर्ण आता है। कैमरा पर्सन स्वप्निल के साथ में रत्नाकर, NBC न्यूज के लिए। यहाँ दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र देना होगा। मंदिर में प्रवेश से पहले श्रद्धालुओं की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन से हाथ साफ कराए जाएंगे। मास्क लगाना और शारीरिक दूरी का पालन करना अनिवार्य है।
एनबीसीएन न्यूज के लिए रत्नाकर मुल्क की खास रिपोर्ट।